Assalamu alaikum, dear students. I am Alina Naeem from Department of Zoology, Superior College, Wazirabad. And today I am here with you with lecture number 9 of Wildlife of Pakistan. In this lecture, we are going to discuss about the remaining national parks. ठीक है? Last lecture में हम बात कर रहे थे protected areas of Pakistan की. हमने देखा कि protected areas Pakistan में तीन तरह के हैं: national parks, wildlife sanctuaries and game reserves. और last lecture में हमने discuss किया national parks को. ठीक है? तकरीबन 5 national parks को हमने detail discuss किया और बाकी सारी जो है वो उनकी detail discussion की कि कहाँ कहाँ वो present हैं, कौन कौन सी wildlife वहाँ पे located है. इस lecture, ये lecture जो है हमारे lecture number 9 का सेकेंड पार्ट है और इसमें हम बाकी के नेशनल पार्क्स को डिस्कस करेंगे. नेशनल पार्क्स की हमने बात की तो हमने सारे के सारे प्रोविंसेस के नेशनल पार्क देखे. कीर्थर, लाल सुहनरा, हजरगंजी, हिंगोल और अयुबिया नेशनल पार्क को हम डिस्कस कर चुके हैं. इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चित्रालगोल नेशनल पार्क, खुंजराब नेशनल पार्क, सेंट्रल कराकोरम, दियोसाई और मार्गला हिल्स नेशनल पार्क. ठीक है जी, ये मैप गिवन है नेशनल पार्क्स का और यहाँ पे भी हम देख आप देख सकते हैं कि हम जो उनसे डिस्कस करेंगे आज चित्रालगोल, खुंजराब, सेंट्रल कराकरम, दियोसाई, मार्गला हिल्स वो कहाँ लोकेटेड हैं. ठीक है, इस्लामाबाद फेडरल टेरिटरी और नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान में. खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान के नेशनल पार्क की हम बात करें तो दो नेशनल पार्क, एक नेशनल पार्क हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अयूबिया नेशनल पार्क और दूसरा अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं चित्राल गोल नेशनल पार्क. चित्राल गोल नेशनल पार्क एज द नेम इंडिकेट्स कहाँ लोकेटेड है, चित्राल केपीके में. चित्राल गोल नेशनल पार्क जो है वो चित्राल वैली में लोकेटेड है. ठीक है, वैली जो है वो माउंटेनियस एरियाज में जो है वो लोकेटेड है. दोनों तरफ जो है उसके माउंटेनियस एरिया हिली एरियाज प्रेजेंट हैं. ठीक है, सारा का सारा जो वाटर है वो फ्लो करके आता है बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज से चित्राल गोल में और वहाँ से फिर वो जाता है कुनार रिवर में. ठीक है, कुनार रिवर जो है वो फाइनली एम्प्टी होता है जाके काबुल रिवर में. ठीक है, विजिटर फैसिलिटीज़ की अगर बात की जाए तो दो हंटिंग लॉजेस प्रेजेंट है यहाँ पे जो कि बनाए किसने हैं, ओरिजिनली मेहतर्स जो थे के पी के NWFP जब था हमारे पास नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस तो उसके बिल्कुल पाकिस्तान बनने से पहले भी जो यहाँ पे रूलर्स थे ठीक है उन्होंने जो है वो बनाए हुए थे ये हंटिंग लॉजेस, उसी को जो है वो यूज़ किया जाता है अभी भी फॉर एकोमोडेशन फैसिलिटीज टू टूरिस्ट्स. जियोग्राफिकल लोकेशन की बात की जाए तो कोऑर्डिनेट्स गिवन है और ये कहाँ प्रेजेंट है जी, नॉर्थ वेस्ट में केपीके प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान के बॉर्डरिंग अफगानिस्तान इन द हिंदुकश रेंजेस. ठीक है, टोटल एरिया है इसका 7,750 हेक्टर्स. ठीक है जी, और डेट एस्टैब्लिश इज 1984 में इस्टेब्लिश हुआ. मई टू सितंबर इज द बेस्ट टाइम टू विजिट चित्राल गोल नेशनल पार्क. वाइल्ड लाइफ की अगर बात करें तो ये फेमस है जी हमारे पास मारहोर गोट्स के लिए. ठीक है, मारहोर्स के लिए फेमस है ये पार्क हमारे पास और उसके अलावा यहाँ पे लाडकुरियाल शैपू जिसे हम कहते हैं वो भी प्रेजेंट है, साइबेरियन आइबेक्स प्रेजेंट है. ठीक है, अंग्यूलेट्स हैं ये दोनों. अंग्यूलेट्स क्या होते हैं जी, हूफ्ड मैमल्स. ठीक है, जिनके जो है वो नेल्स स्पेसिफिक हूफ्स में जो है वो मॉडिफाई होते हैं. ठीक है, उसके अलावा ब्लैक बियर भी जो है वो यहाँ प्रेजेंट है. स्नो लेपर्ड की बात की जाए तो 1980s में जो है ये पार्क इस्टेब्लिश हुआ तो 1970s की बात है कि स्नो लेपर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन जो है उसकी प्रेजेंट थी. ठीक है, लेकिन 1974 में ही उसे थ्रेटन डिक्लेयर कर दिया गया बिकॉज ऑफ द सीवियर हंटिंग एंड हैबिटेट लॉस प्रेशर. तो वो सारे का सारा भी जो है वो यहाँ कंजर्व, स्नो लेपर्ड को भी यहाँ चित्राल गोल नेशनल पार्क में कंजर्व किया जाता है. ठीक है, और बहुत सारी जो स्पीशीज हैं वो वुल्फ्स की स्पीशीज भी जो है कभी कभार देखी जाती हैं चित्राल गोल नेशनल पार्क में. मैमल्स की बात की जाए तो स्नो लेपर्ड, मारहोर, साइबेरियन आइबेक्स, लाडकुरियाल जिसे हम शैपू कहते हैं. ठीक है, हमने जब गिलगित बल्तिस्तान नॉर्दर्न एरियाज की वाइल्ड लाइफ को स्टडी किया था तो शैपू हमने देखा था, वही शैपू जो है वो लाडकुरियाल कहलाता है. ब्लैक बियर, तिब्बतन वुल्फ, तिब्बतन वुल्फ वंस अगेन जो कि नॉर्दर्न एरियाज में पाकिस्तान के वुल्फ की स्पीशीज प्रेजेंट है. ठीक है, रेड फॉक्स, येलो थ्रोटेड मार्टिन और ऑटर प्रेजेंट है जी, हिमालयन ऑटर. बर्ड्स की बात की जाए तो वल्चर्स हैं हमारे पास, जिसमें हमारे पास हिमालयन ग्रिफन वल्चर और लैमरगियर वल्चर प्रेजेंट है. ठीक है, ईगल्स में गोल्डन ईगल है, उसके अलावा शाहीन प्रेजेंट है और हिमालयन स्नोकॉक, क्रेन और पैसेज माइग्रेंट एक स्पीशी जो है वो प्रेजेंट है बर्ड की जो कि अक्सर माइग्रेशन के वक्त जो है वो यहाँ से गुजरती है. उसके अलावा स्नो और रॉक पैट्रिज भी प्रेजेंट है, हिमालयन मनाल भी.
अगर हम बात करते हैं गिलगित बल्तिस्तान यानी कि पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज में जो नेशनल पार्क प्रेजेंट हैं, ठीक है जी, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है हुंजराब नेशनल पार्क। हुंजराब नेशनल पार्क की बात की जाए तो कराकुरम रेंजेस जो हैं, कराकुरम माउंटेन रेंजेस जो पाकिस्तान के हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस हैं, वहाँ पे प्रेजेंट है हुंजराब नेशनल पार्क ऑन द बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना, ठीक है। मेनली जो है ये मार्को पोलो शीप की कंजर्वेशन के लिए बनाया गया था, ठीक है, 1975 में, और बाय लेट जुल्फिकार अली भुट्टो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट, एक वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट था डॉक्टर जॉर्ज शैलर, उसकी जो है रिकमेंडेशन पे ये पार्क जुल्फिकार अली भुट्टो के दौरे हकूमत में बनाया गया, ठीक है। टैक्सुलगान नेचुरल रिजर्व जो है उसके, वो भी इसके बिल्कुल साथ प्रेजेंट है, ठीक है जी। और अगर हम बात करें इसकी एलिवेशंस की, तो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पार्क जो है वो 4000 मीटर एलिवेशंस से ज़्यादा पे जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। हुंजराब पास जो कि पाकिस्तान और चाइना का गेटवे है एट द कराकोरम हाईवे, वो कहाँ प्रेजेंट है जी, 4934 मीटर्स की एलिवेशन पे, ठीक है। ऑलमोस्ट उसी एरिया में जो है वो मोस्ट ऑफ द पार्क का एरिया जो है वो प्रेजेंट है 4000 अबव एलिवेशन पे। जियोग्राफिकल लोकेशंस की बात की जाए तो जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स के गिवन है, और फिजिकल लोकेशन वही के हम कराकोरम माउंटेनियस रेंजेस में पाकिस्तान चाइना बॉर्डर में, बॉर्डर पे जो है वो हंजा वैली में ये प्रेजेंट है, ठीक है। एरिया गिवन है और 1975 में इस्टेब्लिश हुआ। मार्च टू सेप्टेम्बर जो है वो इसका बेस्ट टाइम टू विजिट है। ये देख सकते हैं आप मैप में, पाकिस्तान का नॉर्थ में चाइना प्रेजेंट है, और यहाँ पे ये हुंजराब पास है और ये हुंजराब रीजन है, ठीक है। यहीं पे जो है वो हुंजराब नेशनल पार्क लोकेटेड है। वाइल्ड लाइफ की अगर बात करें तो प्राइमरी पर्पस जो है वो इसका मार्को पोलो शीप की कंजर्वेशन थी, इंडेंजर्ड मार्को पोलो शीप की कंजर्वेशन। और अगर वहाँ के लोकल लोगों से पूछा जाए या देखा जाए, उसकी पॉपुलेशन सर्वेस देखे जाए पुराने, तो देख पता चलता है कि 400 से जो है वो उसका नंबर अचानक से ड्रॉप हो गया जब 180 तक गया, तो तब गया जब कराकोरम हाईवे बन रही थी, ठीक है। कराकोरम हाईवे बनने की वजह से बहुत सारे जो है मार्को पोलो शीप जो है वो कराकोरम हाईवे क्रॉस करके चले जाते थे चाइना में, ठीक है। पाकिस्तान में उनका नंबर जो है वो कम रह गया, और 75 मार्को पोलो शीप जो है वो देखे गए इन द स्प्रिंग ऑफ 1984, और बाय द मई 1989 50 को जो है वो क्रॉस करते हुए देखा गया, ठीक है जी। और रिकॉर्ड किया गया कि 50 जो है वो क्रॉस करके चले गए, ठीक है। तो इनकी सबसे ज़्यादा इंडेंजर्ड होने की वजह पाकिस्तान में यही है। पहली बात तो ये सबसे बड़ी वजह यही है कि ये जो है वो पास क्रॉस करके जो है वो चले जाते हैं चाइना में। स्नो लेपर्ड्स और हमारे पास साइबेरियन आइबेक्स भी जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है जी। स्नो लेपर्ड्स जो हैं वो पाकिस्तान में प्रेजेंट हैं, बहुत ही कम कंट्रीज़ में प्रेजेंट हैं, सिर्फ और सिर्फ ये जो है वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में नेटिव हैं, और लार्ज नेटिव कैट्स हम इन्हें कहते हैं। मैमल्स की बात करें, स्नो लेपर्ड, हिमालयन आइबेक्स, ब्राउन बियर्ड, तिब्बतन रेड फॉक्स, तिब्बतन वुल्फ, ब्लू शीप जो हमने पढ़ी थी, नील गाय सिर्फ और सिर्फ शमशाल वैली में प्रेजेंट है, ठीक है। जो सा पोर्शन इस पार्क का शमशाल वैली में लोकेटेड है। मार्को पोलो शीप्स, तिब्बतन वाइल्ड एस, और उसके अलावा एरमीन और अल्पाइन विजल, स्टोन मार्टिन, गोल्डन मैमट, लिंक्स, ठीक है जी, और कुछ जो है वो देखे गए हैं, ठीक है। उसके अलावा ढोल हम पढ़ चुके हैं, हेयर, पिका, और उसके अलावा माउस, और जो है हमारे पास श्रियूज भी यहाँ पे, हैमस्टर्स और शिरियूज भी कुछ प्रेजेंट हैं। बर्ड्स की बात करें तो वल्चर्स की स्पीशीज और उसके अलावा ईगल की स्पीशीज, हायर माउंटेनियस एरियाज है, हायर एलिवेशंस हैं, फैल्कन्स प्रेजेंट हैं यहाँ पे, ठीक है। हमारे पास पैट्रेजेस प्रेजेंट हैं, पीजन्स प्रेजेंट हैं, और कुकूज और रेवन की भी और आउल की भी स्पीशी प्रेजेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास दियोसाई नेशनल पार्क, ठीक है जी। दियोसाई नेशनल पार्क भी जो है वो पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज में लोकेटेड है, गिलगित बल्तिस्तान में। और दियोसाई नेशनल पार्क, हुंजराब नेशनल पार्क, सेंट्रल कराकोरम नेशनल पार्क एंड पे जो है वो हम देखेंगे मैप पे कि कितना कितना सा इनका डिस्टेंस जो है वो एक दूसरे से कितने कितने डिस्टेंस पे लोकेटेड है। अभी बात कर रहे हैं दियोसाई नेशनल पार्क की, तो इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन देखते हैं। जियोग्राफिकल लोकेशन जो है दियोसाई नेशनल पार्क की गिवन है, कोऑर्डिनेट्स गिवन है, और ये स्कर्दू जो है डिस्ट्रिक्ट गिलगित बल्तिस्तान का, वहाँ पे प्रेजेंट है कराकोरम रेंज पे।
सरदू में जो है हमारे पास, हमने पढ़ा था, एक कोल्ड डेजर्ट भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो गिलगित बल्तिस्तान की वाइल्ड लाइफ और जो सरदू की वाइल्ड लाइफ है वो ही यहाँ पे जो है वो कंजर्व की जाती है। स्पेसिफिकली ये पार्क जो है वो ब्राउन बियर्स की कंजर्वेशन के लिए बनाया गया था, ठीक है। इसका एरिया गिवन है जी 358,400 हेक्टेयर्स, और 1993 में इसे इस्टेब्लिश किया गया। मार्च टू सेप्टेम्बर इज द बेस्ट टाइम टू विजिट दियोसाई नेशनल पार्क। दियोसाई नेशनल पार्क जो है अबव द ट्री लाइन एट एलिवेशन ऑफ 13,500 फीट अबव द सी लेवल जो है वो ये लोकेटेड है। और दियोसाई प्लेन्स हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके थे, जब वाइल्ड लाइफ पढ़ रहे थे तो बहुत सारे जो है वो एनिमल्स भी हम देखते थे कि वो दियोसाई प्लेट्यूज में प्रेजेंट है, ठीक है। तो वन ऑफ द हाइस्ट प्लेट्यूज इन द वर्ल्ड, दियोसाई प्लेन्स जो है वो उसमें आते हैं, ठीक है। प्लेट्यूज जो है वो प्लेन्स के बाद, प्लेन्स की नस्बत हमारे पास हाइस्ट एलिवेशन एरियाज होते हैं, और माउंटेन्स की नस्बत जो है वो थोड़े कम, ठीक है। तो दियोसाई प्लेन्स जो है वो ऑलमोस्ट जितना एरिया कवर करते हैं, हम पहले हेक्टेयर्स में देख चुके हैं, अब स्क्वायर किलोमीटर्स में बात करें तो अप टू 3,000 स्क्वायर किलोमीटर्स, ठीक है। और बेस्ट टाइम टू विजिट इसका हमने देखा मार्च टू सितंबर था। तो नवंबर टू मई जो है वो इस एरिया में जो है वो सारा का सारा स्नो प्रेजेंट है, ठीक है। दियोसाई में नवंबर से लेकर मई तक स्नो बाउंड एरियाज, हर तरफ जो है वो बर्फ जो है वो पाई जाती है, जबकि गर्मियों वाले महीनों में, समर मंथ्स में जो है वो सारी की सारी बर्फ जो है वो मेल्ट हो जाती है, स्नो मेल्ट हो जाती है, और फिर जो है वो दियोसाई इज एक्सेसिबल के लोग यहाँ जाते हैं और विजिट करते हैं इसे, ठीक है। और दो जगह से जो है वो एक्सेस किया जा सकता है, वन फ्रॉम स्कर्दू इन द नॉर्थ एंड एस्टोर वैली इन द वेस्ट। वाइल्ड लाइफ की बात करें तो ब्राउन बियर्स के लिए स्पेसिफिकली जो है ये नेचुरल हैबिटाट के तौर पे यूज़ किया जाता है। ब्राउन बियर्स पहले जो है वो बहुत सारे माउंटेनियस एरियाज में पाकिस्तान के प्रेजेंट थे, ठीक है, लेकिन अब जो है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ ही प्रेजेंट रह गए हैं। उनके कुछ भी थोड़े से नंबर्स 20 to 80 ब्राउन बियर्स, ठीक है, और ये उन्हीं को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था। बहुत सारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ब्राउन बियर की कंजर्वेशन पे काम कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास हिमालयन वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन है, हिमालयन रेंजेस में जितने भी एनिमल्स प्रेजेंट हैं उनकी कंजर्वेशन के लिए काम करती है। उसके अलावा नॉर्दर्न एरियाज फॉरेस्ट पार्क और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट, और उसके अलावा जी जितने भी जो है वो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर जो है वो ब्राउन बियर की कंजर्वेशन और सर्वाइव के लिए दियोसाई प्लेन्स में और उनकी पॉपुलेशन की कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग के लिए बहुत सारी एफर्ट्स की हैं। ब्राउन बियर्स के अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो लाडा कुरियाल शैपू, जिसे हम कहते हैं स्नो लेपर्ड, और उसके अलावा गोल्डन मैरमेट, रेड फॉक्स, आईबेक्स और उसके हिमालयन आईबेक्स, ठीक है। उसके अलावा जो है वो बर्ड्स की बात करें तो रेजिडेंट और माइग्रेटरी दोनों ही बर्ड्स की स्पीशीज प्रेजेंट होती हैं। मैमल्स की बात करें तो ब्राउन बियर, स्नो लेपर्ड, मस्क डियर, मैरमेट, पिका और अरमाइन और हैमस्टर प्रेजेंट है। हैमस्टर इज अ रोडेंट, ठीक है, और इनका स्टेटस जो भी है वो मेंशन है, थ्रेटेंड है, वल्नरेबल है, रेयर है या कॉमन है, ठीक है जी। बर्ड्स की बात करें तो ईगल, वल्चर और जितनी भी जो है वो हमारे पास हाईएस्ट माउंटेनियस एरियाज होते हैं वहाँ पे हमारे पास वल्चर्स, ईगल्स और फैल्कन जो है वो कॉमनली प्रेजेंट होते हैं, ठीक है जी। उसके अलावा स्नोकॉक और हॉक, स्पैरो हॉक भी यहाँ प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमारे पास जो नॉर्दर्न एरियाज का नेशनल पार्क है वो है जी सेंट्रल कराकरम नेशनल पार्क। सेंट्रल कराकरम नेशनल पार्क जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है एरिया के लिहाज से। ये मैप में देख सकते हैं आप, हमने अभी तक देखा 3 नेशनल पार्क्स जो कि नॉर्दर्न एरियाज में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये है जी हमारे पास कराकरम रेंजेस, अगर आप देखें तो कराकरम रेंजेस में ये हमारे पास K2 प्रेजेंट है, ठीक है। ये पाकिस्तान चाइना के तकरीबन बॉर्डर पे हमारे पास कुंजराब नेशनल पार्क, जबकि सेंट्रल दियोसाई प्लेन्स ये हमारे पास प्रेजेंट है दियोसाई नेशनल पार्क, और ये है सेंट्रल कराकरम नेशनल पार्क, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इनके आपस में जो है वो कितना डिस्टेंस है, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो गिलगित प्रेजेंट है, और इतना डिस्टेंस जो है वो इनका आपस में प्रेजेंट है इन तीनों नेशनल पार्क्स का, ठीक है जी। अब हम बात कर रहे हैं सेंट्रल कराकरम नेशनल पार्क्स की, तो वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक्स एंड लार्जेस्ट ग्लेशियर्स, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट है। हाईएस्ट वर्ल्ड पीक जिसे जो कि K2 है, ठीक है, और उसके अलावा लार्जेस्ट ग्लेशियर्स जिसमें हमारे पास बैफो, बाल्ट्रो, पानमा, हिस्पर और ग्लेशियर्स आते हैं, वो सारे के सारे यहाँ प्रेजेंट हैं, ठीक है। और इंटरनेशनली ये माउंटेनियरिंग, रॉक क्लाइंबिंग के लिए जो है वो फेमस है, ठीक है, और 10,000 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया कवर करता है, और बहुत सारी जो है वो वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंटेन्स जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट हैं। 2016 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट टेंटेटिव लिस्ट में भी शामिल किया गया, ठीक है, और पाकिस्तान का सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया है।
10 सेक्टर ये कवर करता है वाइल्ड लाइफ, वेजिटेशन, एरोमेटिक और मेडिसिनल प्लांट्स, नॉन वुड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स और पास्चर्स, जो भी ग्रेजिंग लैंड्स हैं वहाँ पर, लाइफ स्टॉक भी जो है वो, जो वहाँ पर लोग रहते हैं उनका लाइफ स्टॉक भी वहाँ पर जो है वो प्रेजेंट है, एग्रीकल्चरल माइनिंग पर्पजेज के लिए भी पर्पजेज भी यहाँ पर जो है वो किए जाते हैं अप्लाई, वाटर टूरिज्म और लोकल कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट जो है जितनी भी जो है वो इस पार्क की कंजर्वेशन के लिए और साथ साथ रिसर्च पर्पजेज भी कंटिन्यूड हैं। ठीक है जी, दो जोन में इसको डिवाइड किया गया है, कोर जोन जो है, कोर जोन, ठीक है, कोर जोन में जो है वो मोस्ट ऑफ द फ्रेजाइल इकोसिस्टम, हायर माउंटेन एरियाज, माउंटेन पीक्स और ग्लेशियर्स वगैरह प्रेजेंट हैं। ठीक है, दूसरा जोन है जी बफर जोन, और वहाँ पर जो है वो थोड़ा लोअर लाइंग एरियाज हैं, यानी कि लेस एलिवेशन एज कम्पेयर टू द कोर जोन। ठीक है, और इस एरिया में जो है वो ह्यूमन सेटलमेंट भी थोड़ी बहुत जो है वो प्रेजेंट है और अनसस्टेनेबल एक्टिविटीज़ भी कुछ होती हैं। ठीक है, लेकिन जो कोर जोन है वहाँ पर बिल्कुल जो है वो स्पीयर किस्म की प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। जियोग्राफिकल लोकेशन की बात करें तो स्कर्दू डिस्ट्रिक्ट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान में प्रेजेंट है ये, और हमारे पास जो है वो इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं। एरिया है इसका 10,55,700 हेक्टेयर्स, 1993 में एस्टैब्लिश हुआ और बेस्ट टाइम टू विजिट इज जुलाई एंड अगस्त, और सितंबर कैन बी गुड फॉर लो अल्टीट्यूड क्लाइंबिंग। ठीक है, क्योंकि इसे माउंटेनियरिंग और क्लाइंबिंग पर्पजेज के लिए भी जो है वो यूज़ किया जाता है, बहुत ज़्यादा लोग विजिट करते हैं, सो सितंबर इज़ बेस्ट फॉर लो अल्टीट्यूड क्लाइंबिंग। मैमल्स की बात करें तो यहाँ पे मार्कोपोलो शीप, मारखोर, आईबैक्स और उरियाल प्रेजेंट हैं। ठीक है, स्नो लेपर्ड भी यहाँ पे जो है वो प्रेजेंट है, और स्नो लेपर्ड जो है वो एज अ प्रीडेटर काम करता है इन सब वाइल्ड गोट्स के लिए। ठीक है, और हेयर्स, पिकास और गेम बर्ड्स भी जो है वो यहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, और जो उनसे प्रीडेटर्स यहाँ प्रेजेंट है उनमें हमारे पास वीजल्स आ जाते हैं, मार्टिन आ जाता है, ब्राउन बियर्स भी जो है वो यहाँ कुछ प्रेजेंट है, एशियन ब्लैक बियर, उसके अलावा लिंक्स और तिब्बतन वुल्फ और रेड फॉक्स। बर्ड्स की बात करें तो हमारे पास जो है वो यहाँ पे बर्ड्स और रेप्टाइल्स की। ठीक है, रेप्टाइल्स में लिजर्ड्स की 3 स्पीशी प्रेजेंट हैं, जबकि बर्ड्स में बर्ड्स ऑफ प्रे जो कि रेप्टाइल्स हैं हमारे पास उसमें प्रेजेंट हैं, और वल्चर्स भी यहाँ पे प्रेजेंट हैं, वल्चर्स, रोज फिंचिस, ठीक है, तो छोटी स्पैरो लाइक बर्ड्स होते हैं फिंचिस, और उसके अलावा हमारे पास हिमालयन मुनाल प्रेजेंट है, और उसके अलावा ब्लैक थ्रॉटेड थ्रश। ठीक है, तो डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड स्पीशीज आर प्रेजेंट हियर। नेक्स्ट है हमारे पास फेडरल एरिया के नेशनल पार्क। ठीक है, तो फेडरल एरिया जो है हमारे फेडरल टेरिटरी, जहाँ पे हमारे पाकिस्तान का कैपिटल जो है वो प्रेजेंट है इस्लामाबाद, वहाँ पे हमारे पास जो है वो एक नेशनल पार्क प्रेजेंट है, मार्गिला हिल्स नेशनल पार्क। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं, मोस्ट प्रोबेबली ये हमारा लास्ट नेशनल पार्क है जिसकी डिटेल हम देखेंगे, और मार्गिला हिल्स नेशनल पार्क जो है वो इस्लामाबाद में प्रेजेंट है फेडरल टेरिटरी में। मार्गिला हिल नेशनल पार्क की बात करें तो इट इज़ लोकेटेड ऑन द फुट हिल्स ऑफ हिमालयन रेंज। ठीक है, बहुत सारी वैलीज ऐसे एरियाज को हम कहते हैं जो माउंटेनियस एरियाज, माउंटेन्स के दरमियान में जो है वो प्लेन्स, छोटी छोटी सी कुछ वैलीज प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, स्टीप्स और स्लोपी एरियाज भी यहाँ प्रेजेंट हैं। रिवर कुरंग जो है वो यहाँ से गुजरता है और उसकी ट्रिब्यूटरीज, और फाइनली जो है वो जाके रिवर स्वांग में एम्प्टी हो जाता है। ठीक है, और ये पार्क जो है सबसे ज़्यादा एक्सेसिबल है क्योंकि ये करीब है कैपिटल टेरिटरी से जो कि इस्लामाबाद है। ठीक है, और दामनी को पे जो है वो विजिटर सेंटर बनाया गया है जहाँ पे अकोमोडेशन और इन्फॉर्मेशन सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं रिलेटेड टू मार्गिला हिल्स नेशनल पार्क, और यहाँ पे लॉजिंग, हंटिंग लॉजेस, कैंपिंग ग्राउंड्स, पिकनिक साइट्स जो है वो सबके सब अवेलेबल हैं। उसके अलावा चेयरलिफ्ट जो है उसकी फैसिलिटीज भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ड्यू टू अ नंबर ऑफ फैसिलिटीज इट इज़ द मोस्ट विजिटेड वाइल्ड लाइफ सेंटर। जियोग्राफिकल लोकेशन की बात की जाए तो कोऑर्डिनेट्स गिवन है मार्गिला हिल्स नेशनल पार्क के, और कहाँ प्रेजेंट है, नॉर्थ ईस्ट ऑफ नेशनल कैपिटल इस्लामाबाद इन द प्रोविंस ऑफ पंजाब। ठीक है जी, टोटल एरिया है जी 7,386 हेक्टेयर्स, 1980s में ये इस्टेब्लिश हुआ और थ्रू आउट द ईयर जो है ये ओपन होता है, थ्रू आउट द ईयर विजिट किया जा सकता है। मार्गिला हिल्स जो है वो पाकिस्तान में यूनिक है, सीनो हिमालयन फाना जो है यहाँ पे डाइवर्स हॉटस्पॉट जो है वो हॉटस्पॉट है ये सीनो हिमालयन फाना का, जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी जो है वो इसके साथ लिंक्ड है मार्गिला हिल्स नेशनल पार्क के साथ, और इसके अलावा शक्करपड़ियाँ हिल्स और रावल लेक भी। रावल लेक जो है हमारे पास वो वेट लैंड्स में आती है पाकिस्तान के, ठीक है, इंपॉर्टेंट वेट लैंड्स, और ये पार्क जो है वो मेनली बनाया गया ग्रे ग्राल, बार्किंग डियर और लैपर्ड की कंजर्वेशन के लिए।
प्रोटेक्शन टू दीज एनिमल्स हैव बेनिफिटेड अदर अनयूजुअल इंटरेस्टिंग स्मॉल एनिमल्स एज वेल। ठीक है, इन बड़े एनिमल्स को प्रोटेक्शन देने की वजह से बहुत सारे स्मॉल एनिमल्स जो हैं वो खुद बहुत ही जो है वो कंजर्व होते गए, प्रोटेक्ट होते गए। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स अवेलेबल हैं और चीयर फीजर हैचरी जो है यहाँ बनाई गई चक जबरी और डोक जीवन में। ठीक है, और कैप्टिव जो है वो साइट थी, कैप्टिव साइट्स वो होती हैं जो कि नेचुरल इन्वायरमेंट में कंजर्व नहीं करती। ठीक है, में हमारे पास एक्सीटो कंजर्वेशन आती है। ठीक है, तो चीयर फीजेंट्स की एक्सीटो कंजर्वेशन के लिए ये कैप्टिविटी में जो है वो हैचरी बनाई गई। ठीक है, और क्योंकि जो है वो बाहर एक्सटिंक्ट होते जा रहे थे हिल्स में। ठीक है, तो वहाँ पे जो है वो अब उन्हें कैप्टिविटी में रियर किया जाता है और फिर वाइल्ड में रिलीज कर दिया जाता है। मैमल्स की बात करें तो एशियाटिक लेपर्ड, वाइल्ड बॉर और गोल्डन जैकल, रेसिस मैकेकी, लेपर्ड कैट, ग्रे घुराल, बार्किंग डियर, चिंकारा, गजेल, रेड फॉक्स, पेंगोलिन, इंडियन पेंगोलिन जो हमारे पास स्केली एंटीटर होता है, पार्क्यूपाइन, थ्रॉटेड मार्टर और फ्रूट बैट्स। ठीक है, यहाँ प्रेजेंट है। और बर्ड्स में हमारे पास एज यूजुअल हायर एलिवेशन एरियाज हैं, तो हमारे पास वल्चर्स, फैल्कन्स और जो हॉक्स और ईगल्स वगैरह हैं वो तो प्रेजेंट होंगे ही। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास फीजेंट्स की स्पीशीज हैं, चीयर फीजेंट्स और लीच फीजेंट्स, और उसके अलावा भी बहुत सारे बर्ड्स प्रेजेंट हैं जिसमें हमारे पास डव्स, लार्क्स, वीटियर्स और बंटिंग्स आ जाते हैं। रेप्टाइल्स में हमारे पास जो है वो कोबरा और हिमालयन पिट वाइपर, स्नेक की स्पीशीज हैं डिफरेंट, रसल्स वाइपर और सास स्केल्ड वाइपर भी प्रेजेंट है। सो डैट वॉज ऑल अबाउट द नेशनल पार्क्स ऑफ पाकिस्तान। अभी तक हमने जो है वो डिस्कस कर लिए पाकिस्तान के सारे नेशनल पार्क्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट हैं और मेजर इंपॉर्टेंस नेशनल पार्क को जो है वो हमने डिटेल से देखा। पंजाब के कुछ नेशनल पार्क्स को, सिंध के, बलूचिस्तान के पी के, फिर गिलगित बल्तिस्तान के, और फिर फेडरल एरिया का भी एक नेशनल पार्क जो है वो हमने डिटेल से स्टडी किया। ठीक है जी, सो नेशनल पार्क्स हमारे जो है वो कम्प्लीट हुए। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और गेम रिजर्व्स को।